ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बस गाइस आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। एंड गाइस इस वीडियो में जो हमारा कलर क्रिएशन वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस मिस मत करना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। आगे चले गाइस आज के इस नए वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को सबसे पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप लोगों को जाना है ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस मॉडल का जो आपको साइज है वो कैसे रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। एंड सारे स्टेप आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो मॉडल का जो साइज है कुछ आपको इस टाइप से रखना है, ठीक है। मतलब जो ये विंडो है इसके बीच में रहना चाहिए मॉडल आपका। एंड यहाँ से नीचे से आप देख लेना, अगर कुछ पार्ट अगर इरेज करने को हो तो आप उसको इरेज कर लेना। बाकी यहाँ पे मेरे पास कुछ इरेज करने के लिए है नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली इस तरीके से ऐड करके यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। बाकी का जो मेरा मॉडल है वो सेंटर में नहीं है, तो बाकी मैं इसको सेंटर में कर लूँगा, ठीक है। तो वो सेंटर में कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम सिंपली अपने मॉडल को यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो सेंटर में बीच वाले एरिया में लाना है विंडो के, इस तरीके से अब यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट करनी है। उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस ब्राइटनेस मिल जाएगा। जैसे कि इस फोटो में ब्राइटनेस ज़्यादा था, यहाँ पे हम इसको कम कर लेंगे। एंड उसके बाद इसमें थोड़े से कॉन्ट्रास्ट भी मेरे को ज़्यादा सा लग रहा है, तो उसको हम वो भी कम करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ब्राइटनेस कम किया तो ऊपर से हमें मर्ज करना पड़ेगा। अगर हम मर्ज नहीं करेंगे तो गाइस दूसरे वाला टोन जो है वो आ जाएगा, बट हमारा पहले वाला टोन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कॉन्ट्रास्ट पे जाएंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को भी यहाँ पे हम कम कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट डन कर देंगे। अब यहाँ पर पता है हमारी फोटो जो है परफेक्ट है, ठीक है। बाकी अभी एडजस्टमेंट से भी कर सकते हैं, बट एडजस्टमेंट में क्या होता है ना, अगर इसकी एजेस वगैरह जो है वो बेकार हो जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ से नहीं करना है हमें। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप सभी को जाना है मार्क्स वाले टूल में। मार्क्स वाले टूल में जाने के बाद आपको चले जाना है रेनी वाला ऑप्शन होगा एक, ठीक है, इसमें आपको इसमें चले जाना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि फिल्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें से कोई से भी यूज़ कर सकते हो, बट मतलब कोई सा भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लगा लो, दो तीन हैं जो आपको यूज़ करना है। जैसे कि इसमें आपको एक दो लगा के दिखाता हूँ, एक ये वाला हो गया, ठीक है, जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप के आपको दो तीन हैं जो कि आप लगा सकते हो इन दोनों में से। बाकी आपको मैं एक दूसरे वाला बताता हूँ जो कि हमारा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो इस वाले को हम लेंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है, मतलब कि राउंड रख लेंगे इसे 50 के बीच में, ठीक है। इसके बाद आपको इरेजर टूल में जाना है। एंड इरेजर टूल में जाके आपको जो है यहाँ से जो अभी जो साइड में जितना भी एरिया आ रहा है ना विंडो के साइड में, उन सबको इरेज करना है। तो यहाँ से हमें शेप लेंगे एंड शेप से इरेज करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे ईजी हो जाएगा इरेज करने में, ठीक है। तो आपको कैसे करना मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए पहले क्या करना, पहले आप अपने फोटो को यहाँ पे जूम कर लो अच्छे से, ठीक है, इस तरीके से। एंड फोटो को जब आप जूम कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे शेप लेना है। अब शेप जो है थोड़ा ऊपर की साइड में चला गया, तो अभी हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको नीचे की साइड में लेंगे इस तरीके से। पहले तो यार मतलब इसको ना साइज़ छोटा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इतना करते हैं। अब इसके बाद जो हम इसको छोटा कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे ले आएंगे। एंड जो विंडो का जो साइज़ है ना उसके हिसाब से आपको इसको रखना है। एंड उसके बाद इसको जो पॉइंट है इसको ऐसे लंबा कर देना है एंड यहाँ पर टैप कर देना है साइड में। सेम इसी तरह आपको दूसरी जगह भी करना है, ऐसे लेना आप सभी को, ठीक है, शेप। एंड उसके बाद आपको इसको सेम वैसे विंडो वाली जो विंडो की ब्लैक वाली एरिया इसके पास रखें एंड ऐसे इसको साइज़ इंक्रीज़ कर देना है एंड ऐसे इरेज करना है, ठीक है। तो इसको हम फटाफट करते हैं। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को जो है फेस के पास से आपको इसकी ओपेसिटी हार्डनेस कम करके आपको जो फेस के पास से जो इसको इरेज कर देना है, ताकि जो मतलब ये लगे ना कि आपके फेस के ऊपर ही पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको हमें डन कर देना है फोटो को। एंड इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोग को एक बार ऐड फोटो में जाना है। यहाँ पे गाइस आपको एक ब्रोकन ग्लास का पीएनजी लगाना है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी, तो आपको उस पीएनजी को यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेना है। एंड इसको ऐड करने के बाद जो आप सभी को करना है गाइस इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, इसको स्क्रीन कर देना है ताकि जो ये अच्छे तरीके से विजिबल हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको रोटेट कर लेना थोड़ा सा एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक से एक लुक आए ग्लास में, ठीक है। एंड बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है इसमें आपको सिंपली इसको इरेजर टूल में जाके आपको यहाँ से साइड से इरेज कर लेना है, ताकि जो है मतलब ये ना लगे कि आपने कोई पीएनजी लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर लेना है एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो यहाँ पे इसको भी डन कर देना है, ठीक। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि गाइस इसमें अब मुझे नहीं लगता आपको और कुछ करने की ज़रूरत है। बाकी हम इसे सेव कर लेते हैं, डिस्को लेकर चलते हैं लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप में गाइस फोटो को ले जाने के बाद आपको पहले इस लाइट वाला ऑप्शन में जाना, आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम कर देना, हाईलाइट्स को जो इसको माइनस कर देना एंड जो शेडो है इसको इंक्रीज़ कर देना एंड जो
शेडो इसको इंक्रीज करके एंड वाइट को कम, ब्लैक को भी कम, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको चले जाना है कलर्स में, आपको वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देना है, एंड चले जाना आपको कलर मिक्स में। कलर मिक्स में जाने के बाद आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके सैचुरेशन माइनस करना है, लूमिनस बढ़ा देना है, एंड चले जाना येलो कलर में, आपको इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड उसके बाद ग्रीन कलर जो है इसका भी सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड जो गाइस यहाँ पे डार्क ब्लू है इसका भी सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस कर देना है, ठीक। अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा तो बिल्कुल ही माइनस कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कलर चाहते हो नहीं चाहते। फिर उसका नीचे वाला टूल में जाकर आपको अपनी फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी, फोटो में विगनेट डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। नीचे मिलेगा आपको ग्रेन अमाउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना, एंड चले जाना नीचे वाला टूल में, फोटो की शार्पनेस आपको इंक्रीज कर देनी है। इसके नीचे मिलेगा नोड रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस ऐसा करता हूँ, आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता है वीडियो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।